हेलो गाइस, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। एक ट्रेन में एक टीसी को मिला फटा पर्स, और उसके बाद जब यात्रियों से उसने पूछा कि ये पर्स किसका है, तो उस यात्रियों के बीच में से एक बुजुर्ग आदमी ने ये बताया कि ये पर्स मेरा है। तो उस टीसी ने उसको पूछा कि इस पर्स में तुम्हारे पति और या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बेटे की या बेटी की फोटो क्यों नहीं है, भगवान की फोटो क्यों है। तो उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी ने क्या बोला कि आप भी सुन के काफी ज्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि ये मामला ही इस तरीके का है कि आपको भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला कि ऐसा भी होता है सच्ची में। तो अगर वो मामला बताने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि एक टीटी को ट्रेन में एक फटा हुआ पर्स मिला, और उसके बाद यात्रियों को उसने पूछा कि ये किसका पर्स है, तो उस भीड़ के यात्रियों ने उसमें से एक बुजुर्ग आदमी निकल के आया और उसने बोला कि ये पर्स मेरा है। तो अभी ऐसा तो सब चीजें हैं कि हाँ, अगर टीटी को कोई भी ऐसी चीज मिलेगी तब उसकी पहचान करवानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके बदले उस बुजुर्ग आदमी को उस टीटी ने ये चीज पूछी कि मैं कैसे मान लूं कि ये पर्स तुम्हारा है, इसकी कोई पहचान बताओ, क्योंकि उस पर्स में कुछ पैसे और एक भगवान की, श्री कृष्ण भगवान जी की फोटो थी। तो उसी के साथ उसने, बुजुर्ग आदमी ने ये चीज बताई, पैसों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया कि इस पर्स में जो ये पर्स है, ये मेरे पापा ने दिया था जब मैं छोटा था, तब मुझे दिया था, और इस पर्स में भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो है। तो इतना सुनने के बाद उस टीटी ने ये चीज बोली कि हर किसी के पर्स में ऐसा सब चीजें हो सकती है। तो ये चीज बताओ कि इस पर्स में तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी बेटी या बेटे की फोटो क्यों नहीं है। तो उन्होंने फिर बताई पूरी स्टोरी कि जब मैं छोटा था तब मैं स्कूल में जाता था, तब स्कूल जाते टाइम मेरे पापा ने मुझे ये पर्स दिया था, और मुझे ये पर्स बहुत ही अच्छा लगा था, और उन्होंने दिया तो इसीलिए मैंने इस पर्स में अपने माता पिता की फोटो लगाई, और फोटो लगाने के बाद जब मैं बड़ा होने के बाद मुझे मेरी सुंदरता के ऊपर, मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर था, तो उसके ऊपर मुझे घमंड था, तो मैंने अपने माता पिता की फोटो निकाल के अपनी फोटो लगा ली, और कुछ ही टाइम के बाद मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद मैं अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी फोटो निकाल के अपनी पत्नी की फोटो डाल दी उस पर्स में, और उसके बाद मैं उसको हमेशा देखता था, और कुछ ही समय के बाद मेरी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद मुझे पूरा प्यार जो भी था मेरे बेटे के ऊपर चला गया, और उसके बाद मैंने सबकी फोटोज निकाल के मैंने अपनी बेटे की फोटो डाल ली, और फोटो डालने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई, और मेरा बेटा भी जब बड़ा हुआ उसने भी शादी कर ली और दूसरे शहर चला गया, और उसी के साथ मेरे माता पिता का भी देहांत हो गया, और कोई भी मेरे पास नहीं बचा। और जब मैंने स्टार्टिंग में भगवान जी की फोटो लगाई हुई थी, और इसीलिए मैंने लास्ट में भगवान जी की फोटो लगाई, क्योंकि वो तब भी मेरे साथ थे और अभी भी मेरे साथ है, उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं है। मुझे इतनी बात समझ में आ गई है कि जो रिश्ता बनता है हमारी जिंदगी में, हम जब आते हैं, जो रिश्ता बनता है वो कभी ना कभी खत्म होना है, पर ये जो भगवान कृष्ण जी का मेरे साथ जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होगा, या मैं मर जाऊं तब तक भी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो इसमें डाली। सो गाइज, इतना प्यारी सोच, जो आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग भी अपने वॉलेट में अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी मम्मी की, अपने पापा की, जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है, उनकी फोटो लगाते हो। बहुत ही अच्छा है, लगाते हैं, क्योंकि हम लोग उनको मिस करते हैं, ऑफ कोर्स वो लगाते हैं, पर उसी जगह पर ये जो बुजुर्ग है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो लगाई। और हम आपको बता दें कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, और उस वक्त उनके पास कोई भी रिश्ता नहीं रहता, पत्नी नहीं रहती, बच्चे नहीं रहते, और उनके खुद के माँ बाप नहीं रहते, उनको संभालने वाला कोई नहीं रहता, उसी वक्त आता ही है याद भगवान श्री कृष्ण जी की, मतलब कि भगवान की याद आती है, और उस वक्त सिर्फ उसी के सहारे वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो ही उनको शक्ति देते हैं उस दुख से निकलने के लिए, उस समय को काटने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि जब एज हो जाती है तब भक्ति वगैरह में लीन हो जाते हैं, हमें क्या पता उनके मन में कितना ज्यादा दुख होता है।
तो अगर आप भी अपने वॉलेट में अपने माता की फोटो या अपने पापा की फोटो या भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो यूज करते हो, आप अपने वॉलेट में लगाते हो, तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ प्लीज हमें कमेंट भगवान श्री कृष्ण करके जरूर कीजिए। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।